हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी एंजल वन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखा रहा है वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आज की वीडियो में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल बेरोजगार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लिखा आता है इंस्टाग्राम में कि वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट, तो इसका क्या मतलब होता है वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो अगर आपने मतलब वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐड करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपने ऐड कर दिए, उसके बाद ऐसा कुछ लिखा आता है, तो इसके बाद आपको 3 दिन इंतज़ार करना पड़ता है। आपने जो डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए तो वो उनको वेरीफाई करेंगे, उसके लिए आपको 3 दिन के अंदर एक मेल आएगा। तो उसको आपने क्या करना है, जो मेल है उसको आपने वेट करना है। उसमें जब आपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए हैं, 3 दिन के अंदर उनके टीम की तरफ से एक मेल आएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आज की वीडियो में। तो आपको एक बार आइडेंटिटी प्रूफ लगता है, जैसे कोई भी आधार कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ कुछ आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर आपको एड्रेस का प्रूफ भी चाहिए होता है, इनकम का प्रूफ चाहिए होता है, बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है उसके लिए भी आपको एक प्रूफ चाहिए, साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको यहाँ पे लिंक करना पड़ता है। तो ये सब आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी और मैंने इनको सबमिट किया, उसके बाद ट्राई किया और मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो आप इन मेथड को ट्राई कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।